जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। ये अभी जी हम हैं फेस 3 चौक हैदराबाद में, और हम जी जा रहे हैं लालचापुर रोज, और जो कि काफ़ी मशहूर है। और इसमें हम आपको दिखाएंगे, बल्कि खुद खाएंगे भी, बल्कि खाने के लिए जा रहे हैं। और इसमें हम आपको दिखाएंगे इसकी जो है वो प्राइसिंग क्या है इनकी, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आखिर में हम आपको स्कोर भी दिखाएं कि टेस्ट कैसा है और इसके हम मार्क्स इनको कितने देंगे। अच्छा जनाब, अब हम पहुंच गए हैं कारखानों मार्केट, जो कि यहाँ पर मशहूर जगह है। कारखानों मार्केट मोस्टली पंजाब से जो हमारे दोस्त आते हैं शॉपिंग करने, तो कारखानों मार्केट ही आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर जो है वो जो दूसरे कंट्रीज़ के जो सामान है तो वो आपको मिल जाते हैं आसानी से। ये जो राइट लेफ़्ट में आप मेरी ये जगह, ये रास्ता देख रहे हैं, ये इंडस्ट्री स्टेट की तरफ जा रहा है, जहाँ पर पिशावर में जो इंडस्ट्री स्टेट है वो वाक़िया है। और ये राइट में जो है ये कारखानों मार्केट है। और अभी हम जो जा रहे हैं सामने, ये हम जा रहे हैं टूवर्ड्स पाठक, जिसको ये मशहूर है पाठक के नाम पर। और ये सामने, ये असल में पेशावर की जो मेन पेशावर सिटी है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, और इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट खैबर है वो यहीं से शुरू हो जाता है। और डिस्ट्रिक्ट खैबर जो है वो इस तरह है कि पहले ये खैबर एजेंसी हुआ करती थी, जो कि ट्राइबल एरिया में है। अब ये जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज़म हो चुका है 2018 के बाद, तो अब ये अलग एक डिस्ट्रिक्ट बन गया है खैबर पख्तूनख्वा का, जिसको डिस्ट्रिक्ट खैबर कहते हैं, और इसके 4 तहसील हैं। ये एक मेजर फूड स्ट्रीट है यहाँ का, और अभी हम आपको दिखाएंगे भी कि हम आए हैं यहाँ पर लालचपुर। यही साइड पे बस वो आगे पार्किंग है, आगे कितने ये तुम राइट लो, ये राइट। हाँ लो जनाब जी, हम पहुंच गए हैं लाल चफूर, गाड़ी हमने पार्क कर दी है, और अभी हम निकलेंगे लाल चफूर की तरफ। रास्ते में आपको कुछ बारबेक्यू वगैरह भी दिखा देते हैं। ये जी बारबेक्यू है, जी हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे लालचपुर, और आपको दिखाते हैं। चादर वाले का
अच्छा जी, अब बैठते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि हमें जगह मिलती है या नहीं मिलती। काफ़ी ज़्यादा रश है और ये रश हर वक्त यहाँ पर ऐसे ही होता है। होपफुली हमें कोई ना कोई जगह मिल ही जाएगी। कहाँ बैठे? अच्छा जी, काफ़ी ख्वारी के बाद हमें जगह मिल गई और साथ में हमारा जो ऑर्डर था वो भी आ गया। हमने दो रोश के लिए ऑर्डर दिया था जो कि आ गए हैं। अब इसको ज़रा चेक करते हैं कि अच्छा जी,
देखने में तो ज़बरदस्त है। अच्छा, इनकी प्राइसिंग इस तरह है कि ये 450 रुपये पर हेड या पर प्याला आप कह सकते हैं। और ये खाना भी हमने खा लिया है। इसमें जो एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई वो ये कि इनका नमक ज़्यादा है, तो इस वजह से हमने जो डिसाइड किया है कि इसको मार्क्स देंगे 9 out of 10।